हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्या हो गया? कुछ तो नहीं हुआ है। मुझे क्या होगा? अपसेट लग रहे हो बहुत आज। किस हाँ, हो थोड़ी बारे में? तुम कुछ सोच रही थी, बस तो हर टाइम सोचते हो लेकिन अपसेट नहीं रहते ना। आज कैसे अपसेट हो? टेल ऐसे ही। मी मतलब बेबी, क्या हो गया? बोलने दोगे? तो बोलो ना। मैं मतलब ऐसे ही थोड़ी अपने फ्यूचर को लेकर मतलब सोच रही थी, टेंशन में थी। मतलब अपने फ्यूचर को लेकर? हाँ, अपने फ्यूचर के बारे में कब से सोचने लग गए आप? मैं हमेशा सोचती हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं कभी बताया नहीं मेरे दिल की बात। तो दिल की बात कब बताओगे? इतना घुट घुट के नहीं रहना चाहिए इंसान ने। हाँ सॉरी ना, गलती हो गई ना मुझसे, बस अच्छा, आज तुमने सॉरी कैसे बोल दिया मुझे सबसे पहली बात? बोल दिया। अच्छा, क्या डिस्कस, मतलब क्या सोच रहे थे बताओ मुझे। फ्यूचर को लेकर यार, कि मतलब कैसा होगा, या फिर अभी होगी भी या नहीं होगी। तो फ्यूचर का यार मैंने तुम्हें पहले बताया कि अभी से सोचकर फायदा नहीं है। तो मैं भी वही बोल रही हूँ कि सुनो तुम, कि तेरे हम ना मतलब साथ रहते हैं यार, लेकिन ना मतलब शादी का नहीं सोचते यार। तो शादी का कैसे सोचेगा यार इंसान? तो मैं भी वही बोल रही थी, क्योंकि मुझे समझ से यार, देखो हमें पता नहीं कि फ्यूचर हमारा साथ है भी या नहीं है। सुनो, हम अभी मतलब जितने दिन हो सके, जितने दिन, जितने साल हो सके, उतने रहते हैं यार साथ, लेकिन कोई फ्यूचर के ना सपने नहीं देखते। लेकिन देखना भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि अपने को आगे पता नहीं ना क्या होने वाला है, लेकिन अपन ट्राई तो पूरा करने वाले हैं। मैं 100% दूंगी, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगी, लेकिन मतलब तुम स्टेबल नहीं हो अभी, और मैं कुछ फ्यूचर के सपने भी नहीं देख सकती हूँ। और मैं ये नहीं कर चाहती हूँ कि मतलब आगे जाके इसकी वो मतलब सपने टूटे। तो हाँ सही है ना यार, लेकिन ना मैं भी मेरा 100% दूंगा यार इन फ्यूचर, और तुम्हें पाने की पूरी ज्यादा पूरी कोशिश करूंगा। तुम इस मामले में बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी से सोच के फायदा नहीं यार। वही है, लेकिन मैं भी वही बोल रही हूँ कि मतलब अपन ये नहीं बोलते, नहीं हमारी बात की सुनती, पता है क्या, कि बेबी हमें शादी के बाद ऐसा करना है, शादी के बाद ऐसा करना है, तो वो ना बोलना बंद कर देते हैं। क्यों यार? मतलब उसकी मतलब बोल के बुरा लगता है, ऑब्वियसली लगता है ये। बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरे अगर आगे चल के वो मतलब नहीं हुई शादी, तो बहुत बुरा लगेगा और सपने टूट जाएंगे यार। लेकिन मैंने सर, बहुत बहुत सोचा, इसलिए मैं मुझे ना तुमसे ये डिस्कस करना था। लेकिन सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन अपन सपनों को पूरा करेंगे यार, तुम मेरे पर ट्रस्ट गलत रखो। नहीं है, लेकिन वही सपने अगर टूटे ना धीरे, और तुम्हें पता है मेरे सपने बहुत टूटे, मैं बहुत मतलब इस दर से गुजर चुकी हूँ मैं, कि मतलब कैसा फील होता है। लेकिन यार तुम, लेकिन लास्ट मुझे एक बात बताओ, इतनी मैच्योर, इतनी समझदार श्रुति आज कैसे, क्या मतलब? नहीं धीरज, मैंने बस सोच रही थी कि ना फालतू तुम्हें ना मतलब अंधेरे में रखकर फायदा नहीं है धीरज। अगर देखो, मैंने अगर तुम्हें सब प्रोमिसेस कर दिए, धीरज ऐसा करना है, ऐसा कर दिए करना है, तो फ्यूचर में जाके नहीं हो पास पॉसिबल, तो तुम ना मुझे ब्लेम मत करना। मैं ये बोल रही हूँ, तो तुम मुझे ब्लेम करोगे कि श्रुति ने ऐसा बोला था, श्रुति ने ये सपने दिखाए थे। लेकिन इन फ्यूचर में भी आपको ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन आप भी मत करना यार, हम ट्राई पूरा करेंगे, तुम्हें पता है। ट्राई 100% करेंगे, लेकिन अब प्लीज अगर छोड़ने की बात आई ना, तो मतलब खुशी खुशी तो नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि धीरज ने मुझे छोड़ दिया या फिर श्रुति ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन ना यार, ट्राई नहीं, सपनों को पूरा करना है। करना है, लेकिन सपने नहीं देखना, मतलब बोलना नहीं है कि मुझे श्रुति के साथ ये करना है, मतलब फ्यूचर में यहाँ जाना वहां जाना, नहीं करता है यार ऐसे। हाँ यार, नहीं करेंगे यार, क्योंकि सपने टूटेंगे तो बुरा जरूर लगेगा इंसान को। देखो, मेरी मम्मी 100% मेरा साथ देगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर भाई का है। देखो, भाई का समझ सकता हूँ यार मैं, लेकिन यार सपने यार देखते ही यार इंसान कितना जुड़ जाए। तुम्हारे भी घर के है ना, मतलब मुझे नहीं लगता है, तुम मना लोगे कैसे भी, लेकिन तुम ही जैसे बताते हो, मेरे घर वाले स्ट्रिक्ट, तो मुझे नहीं लगता है। यार भाग भी नहीं सकते अपन, क्योंकि भागना रास्ता नहीं है। मुझे भागना भी नहीं है धीरे, मैं ना मतलब बहुत
बड़ी जो भी भागते हैं ना, मतलब जो भी ये कदम उठाते हो ना, बहुत बड़ी गलती करता है यार। लेकिन अपने को ये कदम नहीं मतलब उठाना यार। हाँ वही, मतलब देखो क्या है, लड़के के लिए तुम माँ बाप को छोड़ देते हो यार, वो ना मुझे फेयर नहीं लगता। लेकिन ना यार भागना मतलब पूरी हाँ पागलपन वो थी यार। सही है कि तुम्हारा ट्रू लव है, तुम्हारा प्यार है, लेकिन इतने से के लिए तुम माँ बाप को छोड़ रहे हो, वो नहीं सही है यार। है। मैं बहुत सोच रही थी, धीरे धीरे से तुम्हें बताया, और मुझे ये भी डर लग रहा था कि तुम समझोगे या नहीं समझोगे, तुम मुझे डांटोगे या फिर गुस्सा होगी, इसलिए मैं मतलब बहुत दिन से चल रहा था ये माइंड में, लेकिन अभी बताया। ऑब्वियसली यार। और सॉरी मैंने जो बोला होगा, एक्साइटेड, तुम्हें बुरा लगा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में, सॉरी। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा यार, क्योंकि तुमने सच्चाई बोली यार आज। और आज सच में श्रुति इतनी समझदार हो गई। मेरे से पहले से समझदार थी, तुम पहले से समझदार थे या अभी समझदार हो गए, क्योंकि आज इतने समझदारी वाली बातें कर रहे हो। देखो पहले से समझदार थी बाबा, तुम ही अभी डिस्कस कर रहे हो। सच में हाँ या झूठ? चिड़ू सच में, को टेंशन आ गया आज। क्यों नहीं आएगा क्या धीरज यार? ऐसे लगता है ना कि मैंने प्यार ही क्यों किया फिर, बाप रे, मतलब प्यार करके अगर गलती की। गलती नहीं की, लेकिन अगर वही प्यार से तुम अगर जुदा हो रहे हो, मतलब अलग हो रहे हो, तो क्या फायदा है प्यार करके? तुम अगर हो ही नहीं रहा है कुछ तो सक्सेसफुल प्यार, तो फायदा नहीं है ना। तो यार ऐसे जरूरी नहीं कि साथ, मतलब जिंदगी भर साथ रहे। जब तक भी रहना इतना अच्छा रहे हम दोनों कि यार लगना चाहिए कि यार किसी लड़के के साथ क्या था, किसी लड़की के साथ था मैं। से लगना चाहिए यार, तुम्हें भी फील होना चाहिए और मुझे भी फील होना चाहिए वो। होता है और मतलब, हो रहा है यार, अपना प्यार ऐसा नहीं है यार। हम झगड़ते हैं, कुछ भी कर ले, लेकिन साथ हो जाते यार हम, क्योंकि हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, तुम्हें सब पता है। वो पता है मुझे, लेकिन एक बात बोल रही हूँ मैं, मतलब हमारी फैमिली नहीं मानेगी। फैमिली यार, फैमिली को मनवाने की पूरी ज्यादा कोशिश करेंगे। अब देखो यार, कल मैंने तुम पर चिल्ला दिया ड्रेस के मामले में, लेकिन नहीं चिल्लाना चाहिए था, मुझे खुद बुरा लगा। तो मतलब क्या बोले यार, नहीं अच्छा लगता है तुम्हें किसी और के साथ, कैसे देख पाऊंगा मैं भी कभी कभी सोचता हूँ तो बुरा लगता है। मुझे भी वही डर लगता है धीरे, मतलब इतने साल में तुम्हारे साथ थी, मतलब हमेशा से, तो मुझे बोलती भी नहीं आ रहा है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं रहा है मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसे नर्वस हो रहा है, मतलब मैं नर्वस हो गई हूँ सच में। जाने दो यार, टेंशन मत लो यार। अपन पूरी बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम सच में साथ रह पाए, लेकिन ना नहीं हुआ ना यार। तो मुझे ब्लेम मत करना यार श्रुति, प्लीज। मैं भी वही बोल रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो तुम भी मुझे ब्लेम मत करना प्लीज। यार अपन सब कुछ ट्राई करेंगे और सब कुछ करके अपन साथ हो जाएंगे, लेकिन मानो मेरा हाँ मैं भी वही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ना, मुझे मतलब कोई चार ही नहीं कर सकता, मतलब दुनिया में कोई है ही नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है मतलब कि तुम्हारी तरह कोई पागल मिलेगी मुझे? अच्छा। और तुम्हारी बातों को बुरा क्यों नहीं मानता पता है मैं? क्योंकि हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं। हाँ तो तुम्हारी बातों को बुरा क्यों मानूं मैं? इसलिए मैं ओके ओके इसलिए करता हूँ। तुम, मतलब मेरी बातों में ना तुम्हारा ध्यान ही रहता, ठीक है ना? तो क्या करेगा इंसान, मुझे पता है कि सामने वाले के पास दिमाग ही नहीं है, तो फिर क्यों टेंशन लेगा सामने वाले इंसान। दिमाग तुमसे ज्यादा है, ठीक है ना? बहुत है, आज तो पता चल गया सच में मुझे, क्योंकि तुम इतने सीरियस बात भी कर सकते हो और इतने अच्छे अच्छे बातें भी कर सकते हो। हाँ तो तो क्या, तो वो कुछ नहीं, खाना खाओ ना चुपचाप की दिन भर के बस। तुम लोग धीरे ना, मुझे तुम मुझे हर बार क्यों खाना खिलाने के पीछे पड़ जाते हो? क्योंकि तुम्हें मोटू बनाना है। मुझे नहीं बनना है, अरे तुम्हें बनाकर दम लूंगा मैं, और खुद लकड़ी की तरह रहोगे ना। तो फिर क्या, जब तुम शादी करके नहीं आओगे तभी तो मतलब वेट बढ़ेगा ना मेरा। तो बाद में तुमने जो करना है कर लेना तुम, लेकिन अभी तो मुझे सिम रहना। तो फिर मत खाओ, पास कर लो। अच्छा मैं एक काम करूँगा, बोलो। तुम्हें ना प्रेग्नेंट कर देता हूँ सीधा, मतलब मोटू।
ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा शादी के बाद तो कभी नहीं होगा, मतलब शादी होगी नहीं तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं भाई। हाँ वही, लेकिन लेकिन ना मैं पॉसिबल करके रहूंगा, तो मेरी बात लिख लो, ये बात शादी के पहले ये बात पॉसिबल ही नहीं हो तुम सकती। मेरी बात लिख लो कि मैं शादी के पहले पॉसिबल करके दिखाऊंगा। नहीं, मुझे खुद पर ना बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना? देख लिया तुमने मैंने क्या बोला था, ठीक है ना, देख लेते हैं, देखते ठीक हैं है? ना। मैं आता हूँ जल्दी, खाना खाकर तुम्हें बात मतलब कॉल करता हूँ फटाफट। हाँ ठीक है, बाय, बाय। टेक देखना केयर। ये चीज पॉसिबल होके रहेंगी। हाँ ठीक है, कर लेना, ठीक है, बाय, लव यू। बाय। सपने में करूँ या कैसे करूँ? तुम्हें जैसा करना करो, ठीक है, बाय। ठीक है, बाय, लव यू।